हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूं INDIE मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में आप SIP करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स होता है, स्टॉक्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। वहां पर हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हमको इन्वेस्ट करना है, बल्कि अगर हम म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड में जो भी स्टॉक्स रहेंगे उसका मैनेजर डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ये ऑप्शन नहीं था कि अगर आपको किसी भी स्टॉक्स पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आपको SIP करना है तो आप कर सकें। लेकिन यहां पर INDIE मनी मोबाइल एप्लीकेशन ने ये फीचर्स लाया है कि अगर आप किसी भी अपने जो फेवरेट स्टॉक्स है उसमें SIP करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों क्या करना है कि हमको यहाँ पर जाना है पहले वॉच लिस्ट पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च रखा है, वॉच लिस्ट बना के रखा हुआ है मैंने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे ऐड स्टॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जिस स्टॉक्स में आप यहाँ पर करना चाहते हैं SIP उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ रिलायंस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिलायंस पावर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। केवल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पर रिलायंस पावर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से किसी में भी मुझे SIP करना है तो मुझे उस पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं ITC में करने वाला हूँ तो ITC पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, तो इस देख सकते हैं कि इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ठीक है। आप इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इसके एक वीक का चार्ट देखना चाहते हैं, एक मंथ का, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन भी दिया हुआ, उसको क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कितना रिटर्न दिया हुआ है वो देख सकते हैं, डेज का हाई क्या है, डेज का लो क्या था, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 5,84,419 करोड़ का ये कंपनी है, ठीक है। और इसी के जो पीयर कंपनी है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, उनका भी देखना चाहते हैं तो उनका भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसी में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला यहाँ नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ सेल का, दूसरा बाई का, तीसरा दिया हुआ SIP का जो कि न्यू ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तो हो गया आपका अमाउंट का, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप अमाउंट भर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दो शेयर सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, तो दो शेयर अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 505 के लगभग चल रही है, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं दो शेयर का प्राइस कैलकुलेट हो गया है 1011, ठीक है। अगर आप यहाँ पर अमाउंट कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, और या फिर क्वांटिटी के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वांटिटी का जो प्राइस है वो कितना है, 506 रुपये है। अब यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डेली करना चाहते हैं या वीकली करना चाहते हैं या फिर मंथली, तो मैं यहाँ पर वीकली सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप डेली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दो डेट आ रही है मेरे को, 25 को और 26 को, तो मैंने 25 सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और ओके पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों ये वीकली दिया हुआ है, NSE या BSE किस एक्सचेंज में आप बाय करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे दिया हुआ है, टिक कर दीजिएगा इसको। और यहाँ पर दिया हुआ 125% रिटर्न इन लास्ट 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में दिया हुआ है 125.41 का रिटर्न, ठीक है। व्यू रिटर्न्स पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में ये देख सकते हैं, ठीक है। ये कंपेरिजन दिया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पर ITC में आपको कितना 1.31 लाख हो जाता, NIFTY IT कितना 99.55 के पे, और यहाँ पर सेविंग अकाउंट दिया हुआ है आपका 83.25 के, ये 3 ईयर्स का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि अगर आपने वीकली इन्वेस्ट किया होता 506 रुपये या वीकली एक शेयर खरीदा होता तो आपका अभी तक पोर्टफोलियो इतने का हो गया होता, ठीक है। तो ये दिया हुआ, चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। नीचे दिया हुआ सेटअप SIP, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये दिया हुआ है कि आप यहाँ पर सेटअप वाया, आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोनपे से कर सकते हैं, मतलब UPI से, या फिर और भी ऑप्शन दिया है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि ये दिया हुआ ऑटो डिपॉजिट टू माई INDIE वॉलेट्स ऑन SIP डे, तो ये क्या होगा, जैसे कि जो भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे किसी भी तरीके से, तो वो क्या होगा कि ऑटो डिपॉजिट हो जाएगा SIP के, जिस दिन SIP होगा उस दिन हमारा INDIE वॉलेट में रुपए हो जाएगा, फिर INDIE वॉलेट से हमारा आ जाएगा इसमें ITC लिमिटेड में, ठीक है। तो मैं फ़ोनपे से, या फिर आप फ़ोनपे गूगल पे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फ़ोनपे से ही कर लेता हूँ, तो सेटअप नाउ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये दिया हुआ UPI ऑटो पे डिटेल्स, तो ये आपका सारा डिटेल्स लेके आ गया है। अमाउंट टू पे नाउ 1 रुपये पे करना होगा, फ्रीक्वेंसी वीकली रहेगा, रिकरिंग SIP क्वांटिटी 1, मैक्सिमम मैंडेट अमाउंट 600 रुपये, ठीक है। हाउ इट वर्क्स वॉच वीडियो, आप वीडियो भी दे सकते हैं यहाँ पर, और मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा कि आपके बैंक अकाउंट से इस वॉलेट में 1 रुपया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि आपका मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। और वो जो 1 रुपया है वो आपका वापस भी हो जाएगा। तो मैं कंप्लीट ऑटो पे सेटअप पर मैं नीचे क्लिक कर देता हूँ। तो ये दिया हुआ है पे यूजिंग SBI यूजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है।
सो गैस यहाँ पर आपको क्या करना है कि ₹1 पे करना है। तो ये सेट ऑटो पे पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर पिन डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया है और यहाँ पर लिखा है ऑटो पे सेट सक्सेसफुली। तो हमारा जो ऑटो पे है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लिखा है SIP सेटअप सक्सेसफुली, कांग्रेचुलेशंस योर SIP हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो ITC लिमिटेड के लिए हमारा है वो क्या है, सक्सेसफुल हो चुका है। SIP क्वांटिटी कितना है, 1 है, वीकली दिया हुआ है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट कौन सी है, 25 जनवरी है। और ये आप देख सकते हैं स्टेटस एक्टिव दिया हुआ है और नीचे आप देख सकते हैं डन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर आपकी SIP चालू हो चुकी है। सो गाइस जो हमने SIP लगाया हुआ है उसका देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन दिया तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको SIP सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि ये आ चुका है आपका, ठीक है, ITC लिमिटेड जो SIP सेटअप सक्सेस हो चुका है। और SIP फ्रीक्वेंसी भी क्या है, वीकली है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 25 जनवरी है, ठीक है। तो आपको 25 जनवरी को अपने बैंक अकाउंट में जिससे आपने लिंक किया हुआ है उसमें आपका एटलीस्ट जितना भी 505 रुपये का किया उतना रुपया होना चाहिए, जिससे कि उतना रुपया आपका बैंक बैलेंस से कट के यहाँ पर INDIE Money में आ जाएगा और INDIE Money से आपका एक स्टॉक्स ऑफ ITC बाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स में यहाँ पर SIP कर सकते हैं। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर अपनी वॉचलिस्ट पर जाइएगा, जिस भी स्टॉक्स में आप बनाना चाहते हो उसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, इस पर मैं क्लिक करूँगा और देख सकते हैं कि नीचे SIP का ऑप्शन दिया, तो SIP पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना SIP चालू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है दोस्तों और ये न्यू फीचर है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सभी की रिप्लाई करता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।